यहाँ से जल निकल रहा है, ये जल मैया के में जा रहा है। इस तरह के झरने बहुत सारी जगह पे हैं और ये इन्हीं झरनों का जल मैया नर्मदा में जा रहा है। और नर्मदे हर नर्मदे हर, ये हम आ रहे थे तो हमें एक सुंदर सा कुंड मिला। जैसे पानी झरता हुआ आ रहा है और ये बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और इस कुंड की दीवारें तो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने बनाई हो, मगर है ये प्राकृतिक। ऐसे कुंड इस तरह के नर्मदा तट पे बहुत सारे कुंड आपको मिलेंगे देखने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुंदर इसमें जल भर रहा है और ये जल आगे जाके नर्मदा जी में मिल जाता है।
नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो पीछे आप कुंड देख रहे हैं और झरना देख रहे हैं, ये हमें नर्मदा तट पर आते हुए मिला। ये कड़िका से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, नर्मदा तट पे है। जब आप नर्मदा तट के रास्ते आएंगे तब ये आपको मिलेगा। ये देखने में बहुत सुंदर है और प्राकृतिक खूबसूरती इसमें देखते ही बनती है। और इसमें जल अच्छा खासा जल है, ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर फिर भी ये काफ़ी मात्रा में पानी है। आप इसमें स्नान भी कर सकते हैं, पानी एकदम साफ है। आप पानी देख सकते हैं कि पानी कितना साफ और निर्मल जल है, नीचे का पूरा वो दिखाई देता है। नर्मदा तट के किनारे किनारे चलने का यही आनंद होता है कि आप प्राकृतिक के दृश्यों को भी देख सकते। देखिए जल एकदम साफ है, आप जल के अंदर की चीज़ें भी आप देख सकते हैं। और ये ताज़ा जल निकलता हुआ आ रहा है। नर्मदे है, इसका जल एकदम साफ कि आप अंदर तक के पत्थरों को गिन सकते हैं। और तट पे ऐसी हरियाली इसके किनारे पे कि देख के ही आनंद आ जाता है। ऐसे ही दृश्यों के लिए तो हम नर्मदा जी के तट के किनारे किनारे चल रहे हैं, ताकि हमें ऐसे खूबसूरत नज़ारे दृश्य नर्मदा जी के और उसके तटों के देख सकें। यहाँ पे जल का बहाव बहुत ज़्यादा है, पर गहराई बहुत कम है। और जल इतना साफ कि आप इसमें के पत्थरों को देख सकते हैं। जय हो नर्मदे मैया, जय हो नर्मदे मैया। कहा जाता है इसमें के निकले हुए पत्थर, हर पत्थर शंकर ही है, शिवलिंग ही है। इसमें प्राकृतिक रूप से शिवलिंग मिलते हैं और इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा भी करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें से निकलते हैं और सीधे स्थापित कर दिए जाते हैं। ये नर्मदा जी का खूबसूरत दृश्य, इनकी लहर लाती हुई धारा। यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है, मगर बस बहाव ज़्यादा है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बहाव, जल एकदम निर्मल और बहाव लहर लहर लहरा रही है और हर हर करती हुई जा रही है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ये मैया का तट कितना हरा भरा है, आनंददायक सुंदर दृश्य, जैसे हरी भरी वादियाँ हों, हरी भरी घास हो और उसके किनारे ऐसी लहर 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 लहराती हुई नर्मदा जी। कितना आनंददायक दृश्य है ये, मैं देख के मेरा मन और आंखें फिट हो रही हैं। कितनी खूबसूरत जगह, इसीलिए मैं नर्मदा तट के किनारे किनारे चल रहा हूँ, ताकि नर्मदा जी का जो सौंदर्य है, तटों का सौंदर्य है, ये सब आप और हम दोनों देख सकें। देखिए घास एकदम हरी
और सुंदर मुलायम पूरे मैदान के घास ही घास हरी हरी। इन हरे भरे घास के मैदानों और जल की ऐसी धारा, नर्मदा जी की ऐसी धारा को देखकर इतना आनंद आ रहा है कि जो यहाँ आने में परिश्रम लगा है, जो इस रास्ते में चलने में लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है वो सफल हो गया, उसका फल मिल गया कि हमें ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं, आनंद देने वाले दृश्य को आनंद दे रहे हैं हमारे मन को। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे।